काफ़ी ब्यूटीफुल है एंड पेड़ों पर दिख रहा है कि वो जो सकूरा के फूल है, जो चेरी ब्लॉसम बोलते हैं जिसे, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। लेट्स गो। ये है अपना आशियाना अगले 7 दिनों के लिए, ये जो क्वारंटीन पीरियड है। इसमें फैसिलिटीज़ दिखाते हैं क्या क्या हैं। एक ये बेड है, छोटा सा टीवी है, और हैंगर, माइक्रोवेव, देन दिस फ्रिज, और ये बर्तन वगैरह साफ़ करने के, और इंडक्शन। ये है कुकर, केटल, केतली चाय के लिए, और इसमें क्रॉकरी हो गया, पैन, और इसमें ग्लासेस वगैरह। सही, अच्छा लग रहा है। आई मीन जो भी बेसिक नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो सब कुछ है इसमें। छोटे से ड्रॉ और कुछ रखना है तो वाइपर, और इन्होंने वाईफाई भी दिया है। ये है वॉशिंग एरिया, यहाँ पर वॉशिंग मशीन और जो भी इनकी चीज़ें होती हैं लाइक सर्फ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, नैपकिन, पेपर्स। और ये है यहाँ की एडवांस बाथरूम, ये इनके बहुत एडवांस सिस्टम होते हैं यहाँ के, लाइक जैपनीज के। सी, इसमें टेम्परेचर भी चेंज कर सकते हैं आप हर चीज़ का, सीट का, जेट का, बाकी आप समझ रहे होंगे। एंड दी शैम्पूज, और ये एक छोटी सी जकूजी, छोटे से स्पेस को, आई लाइक दिस थिंग अबाउट जैपनीज पीपल, छोटी सी चीज़ को कितना ऑर्गेनाइज कर देते हैं सब कुछ, लाइक छोटे से एरिया में सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, लाइक इट्स गुड गुड थिंग। ये है यहाँ से रूम के बाहर का नज़ारा, मौसम काफ़ी प्लेजेंट हो गया। सी, और यहाँ पर चेरी ब्लॉसम सीजन चल रहा है इस टाइम पे, सो दिस इज़ वेरी फेमस इन जापान। ये अपार्टमेंट है जो इन्होंने 7 डेज के लिए दिया है क्वारंटीन पीरियड में, तो इसे बाहर जाना भी अलाउड नहीं है, इस रूम से बाहर जाना भी, क्योंकि उन्होंने एक ऐप दिया है MySOS करके, उसमें दिल ट्रैक एवरीथिंग, सब कुछ ट्रैक करेंगे हम कहाँ पर हैं। सो ये सब आइटम्स इन्होंने पहुँचाए हैं, क्योंकि मैं क्वारंटीन में हूँ तो बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, आई मीन अलाउड नहीं है, तो उन्होंने पहुँचाया बनाना, पोटैटोज जिनको मैं उबाल कर खा सकता हूँ, और ये है काउ मिल्क। शी टोल्ड मी यहाँ पर बहुत कम लोग इसे पीते हैं, तो बहुत मुश्किल से मिला है, उन्होंने कहीं से अरेंज किया, तो इनसे 2 पैकेट मंगवाए था। और ड्रिंकिंग वाटर एंड एप्पल्स। सो इन्होंने कहा कि 3 दिन के हिसाब से उनको मैं बता दूँ, तो मैंने ये बताया था दिस इज मोर देन सफिशियंट फॉर 3 डेज, और बाकी मैं घर से भी लाया हूँ, जो मम्मी जी और पापा जी ने और भाभी जी ने, भाई ने पैक किया था मेरे लिए, वह मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या लेके आए थे। जैसे कि नमकीन होती है, ये फास्ट में खा सकते हैं ये वाली, और ये लड्डू होते हैं, ये लड्डू भी खाने इसमें मतलब खा सकते हैं हम लोग, और इसके 2 पैकेट भी आया था, तो ये ठीक है, 7-8 डेज के हिसाब से सही है। और एक जो ये चिप्स आते हैं, तो ये सब आइटम है मेरे फास्ट के लिए, और हाँ ड्राई फ्रूट्स भी, ये ड्राई फ्रूट्स, तो ये काफ़ी है, काफ़ी सामान है, और अगर ज़रूरत होती है तो मैं उनसे और मंगवा लूँगा, उन्होंने बोला है दे कैन हेल्प इन दैट, इवन वो काफ़ी एक्साइटेड भी थे, मैंने जब उन्हें बताया कि आई एम ऑन फास्टिंग, लाइक मैं वो बाकी चीज़ें नहीं खा सकता, तो उन्होंने कहा कि आप कोई टेंशन मत लो इस चीज़ की, हम आपके इलाके देंगे आपको जो भी चाहिए। इवन दे वर वेरी हैप्पी कि हम भी आपके कल्चर के बारे में, आपके पता चलेगा कि क्या होता है कल्चर में। तो और ये तो आप सब लोग जानते होंगे, जैपनीज मेनली अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनके इंडक्शन पे देखिए, इन्होंने कहीं भी इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ,
अब नाउ आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दिस बट आई ट्राई कुछ लाइक गेस करके. सो अभी जैसे मेरा फास्ट है इट्स अ डे टू, तो मुझे मतलब जो मैं फ्रूट्स और मिल्क लेके आया हूँ जो उन्होंने पहुँचवाया था, मतलब निम्स वाले मुझे यहाँ पर ये सब आइटम्स दे के गए थे. तो चलो ट्राई करते हैं, हिट एंड ट्रायल टाइप, बट हाँ हो ही जाएगा, इतना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. ओह फाइनली ये वो मिल्क दे गए थे. उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है ये सब बफेलो और काओ मिल्क. इस पर भी देखिए कहीं भी इंग्लिश में कुछ नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी. फाइनली पहली बार में ही हिट एंड ट्रायल सक्सेसफुल हुआ. सीख जाएंगे थोड़ा सा. लैंग्वेज ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है. जैपनीज लाइक टॉप 5 लाइक टफेस्ट लैंग्वेज में आती है वर्ल्ड के. सो वो इतना इतना ईजी नहीं है, बट हाँ कुछ वर्ड्स और कुछ लाइक बेसिक चीज़ें होती है वो चीज़ सीखनी पड़ेंगी. जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम थर्ड डे एक वॉलंटरी टेस्ट करा सकते हैं, PCR टेस्ट. अगर उसमें नेगेटिव आता है तो उसके बाद वी कैन गो आउट. हमारे जो अगले 4 दिन होंगे वो क्वारंटीन के हट जाएंगे, तो बेसिकली 3 दिन ही क्वारंटीन रहेगा. तो मैंने वो टेस्ट के लिए बोला है और अभी मुझे कार पिक करने आ रही है, वो मुझे टेस्ट तक लेके जाएगी, टेस्ट सेंटर तक लेके जाएगी. देन वहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठे बैठे टेस्ट होगा, मुझे बाहर नहीं जाना. आई एम नॉट अलाउड टू गो आउट, ये इनका स्ट्रिक्ट है. और ये जो टेस्ट है जो मुझे यहाँ से कैब लेके टेस्ट लोकेशन तक लेके जाएगी, टेस्ट सेंटर तक लेके जाएगी, ये सब भी निम्स स्पॉन्सर कर रहे हैं. दे आर पेइंग फॉर दैट. अगेन थैंक्स टू देम. और सी यू सून पीपल. थैंक यू वेरी मच एंड नमस्ते. सो लेट्स गो, विल मूव एंड विल टेल यू व्हाट हैपन. काफी ठंडी हवा चल रही है. अरिगातो गोजाइमास. では सकाने M クリニックまでですね. बाहर निकलना अलाउड नहीं है, तो सैंपल लेने ही पर आएंगे.
कोविड टेस्ट करानी है, इसकी रिपोर्ट कल आएगी, और अगर कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो मैं उसके बाद बाहर जा सकता हूँ, बाहर निकल सकता हूँ, मेरे क्वारंटीन ओवर हो जाएगा।